में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे तंदूरी आलू का पराठा। तो चलिए करते हैं इसकी तैयारी। इसके लिए सबसे पहले मैं ये गेहूं का आटा लूंगी और इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी और थोड़ी सी मैं इसमें अजवाइन भी डाल दूंगी और इसे मैं दूध के साथ गूंद लूंगी। आप चाहो तो पानी के साथ भी गूंद सकते हैं। हमें इसका थोड़ा सॉफ्ट लगाना है, जो हम रोटी चपाती के लिए बनाते हैं आटा गूंदते हैं उसी से थोड़ा सा सॉफ्ट आटा गूंदना है हमें। देखिए आटा हमारा अच्छे से गूंद गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ और इसे भी थोड़ा सा ऑयल के साथ अच्छे से गूंद लेती हूँ। अब मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा के इसे 10 मिनट ढक के रख देंगे। आइए तब तक हम अपने आलू की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। ये मेरे पास उबले हुए ठंडे आलू हैं और जब भी हम आलू का पराठा बनाएं तो उसमें हमें ठंडे आलू ही चाहिए और आटा हमेशा ताज़ा गूंदा हुआ होना चाहिए। अब मैं इसे हाथ की हेल्प से अच्छे से मैश कर लूँगी। देखिए आलू हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं और अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। इसके लिए सबसे पहले मैं ये एक बारीक कटा हुआ प्याज, 2 से 3 हरी और लाल मिर्चें और हरा धनिया है वो डाल दूंगी। इसके साथ साथ मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, अजवाइन, सौंफ, धनिया साबुत, रेड चिली फ्लेक्स, जीरा और धनिया पाउडर, नमक हमने आटे में भी डाला था तो थोड़ा सा हिसाब से डालिएगा, लाल मिर्च भी आप अपने हिसाब से करिएगा और ये थोड़ा सा गरम मसाला। इसके साथ इसे चटपटा स्वाद देने के लिए 1/2 चम्मच मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हें बहुत ही अच्छे से हम आलू में मैश कर लेंगे और सारे मसालों को एक सार कर लेंगे ताकि ये मिक्स हो जाएं। देखिए ये हमारे सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब हम चलते हैं अपने पराठे बनाने के आगे का प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये वापस से आटा जो हमने गूंद के रखा था वो लेंगे और इसे एक बार फिर से हाथों से चिकना कर लेंगे और अब हम इसको इसकी लोइयां बनाएंगे। और इससे पहले मैं गैस पे तवा रख देती हूँ गर्म होने के लिए। तंदूरी पराठा बनाने के लिए लोहे के तवे का ही इस्तेमाल कीजिए, नॉनस्टिक यूज मत करिएगा। चलिए अब हम पेड़ा लेते हैं। पराठे का साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा, मोटा या पतला रख सकते हैं। अब इसमें मैं ये स्टफिंग भर दूंगी इसमें आलू की और इसमें थोड़ा सा मैं ये आटा डालूंगी ताकि आलू में अगर कोई मॉइस्चर होगा तो वो इसकी वजह से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हमारे पराठे जो हैं फटेंगे नहीं। अब इसे हल्के हाथों से हम बेल लेंगे। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, राउंड भी दे सकते हैं, ओवल भी दे सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसमें एक तरफ पानी लगाऊंगी। बहुत अच्छे से हमें पानी इसमें लगाना है ताकि ये तवे पे जाके चिपक जाए।
अगर पानी की मात्रा कम होगी तो ये तवे पे अच्छे से चिपकेगा नहीं और सेकते समय हमारा पराठा गिर जाएगा। और इसे इस तरह से मैं दबा दूंगी और जब तक ये एक मिनट के लिए हमारा पराठा इधर सिकता है, हम दूसरे पराठे की तैयारी कर लेंगे। ये देखिए हमारा पराठा एक तरफ से अच्छे से सिक गया है। अब हम इसे गैस पर उल्टा तवा करके मीडियम आंच पे धीरे धीरे सेक लेंगे, चारों तरफ से घुमा घुमा के। दोस्तों हम इस पराठे में बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पराठा हमारा बहुत अच्छे से सिक गया है। अब हम इसे मीडियम आंच में एक तरफ पीछे से और सेक लेंगे। देखिए पराठा हमारा जो है दोनों तरफ से सिक गया है और इसकी साइड्स भी छूट जाती हैं अपने आप ही जब ये प्रॉपर तरीके से सिक जाता है। अब हम इसे निकाल के प्लेट में रख लेंगे। आइए अब चलते हैं, दूसरा पराठा अपना सेकेंगे। है इसमें भी हम पहले पानी लगा देंगे बढ़िया से। मैं नॉर्मली हाथ से ही लगाती हूँ पानी, अगर आप ब्रश का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसे भी हम सेक लेंगे, इसे एक मिनट यूं पीछे की साइड से सेकने देंगे धीमी आंच में। और इसी तरह से हम अपने सारे पराठे सेक लेंगे। देखिए कितनी खूबसूरती से ये पराठा फूल रहा है हमारा। अगर आपका आटा जो है अच्छे से गूंदा गया है और स्टफिंग अच्छे से हुई है तो ये परांठे अच्छे से फूल जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा दूसरा परांठा भी अच्छे से सिक गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। लीजिए तैयार है हमारा गर्मा गर्म नाश्ता। इसे घर के बने हुए मक्खन के साथ खाइए और घर की ही दही है, जैसे मर्जी खाइए, खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। तो एक बार घर में ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरी आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।